bangladesh's garment industry, which accounts for 85% of the country's $55 billion in annual exports, it has now suffered a major blow in recent times. industry leaders have reported losses totaling around $400 million, primarily caused by disruptions following the ousting of the prime minister. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन स्टूडेंट रेवल्यूशन बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता बंग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो बंग्लादेश बन के मनाजिर नजर आ रहे हैं बंगलादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है की उनके जो प्रेजिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट

हर तरफ आप देखिए तो दिस इज अ प्लेस वेयर देर इज पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी विच इज इट इज ग्रोइंग मतलब इट इज अनबिलीवेबल अगर मैं कहूंगा एक तरफ देखा जाए तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है अपने हालात जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बांग्लादेश का एंटी इंडिया नैरेटिव इतना ज्यादा जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है कि वो खुद अपने मुल्क को जो है बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं बड़े भाई का होने का मतलब होता क्या है जियो में बड़ा भाई कौन होता है क्या भारत को शौक है बड़ा भाई बनने का बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का कि भारत को नहीं बनना चाहिए और ये लोग भारत से चाहते क्या है कुछ कुछ ऐसा आई है, आप तक कोई न्यूज है? जी, कितना हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इस बात पे और ये जो हम लोग के पास वाक्य आ रहे हैं जय हिंद दोस्तों दोस्तों भारत से पंगा लेने के बाद बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पिछले दो महीने में पचास दिनों में चार सौ मिलियन लूज कर चुका है बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं ये बांग्लादेशी जोबीज रोड पे निकलते हैं हिंदुओं को मारते हैं मंदिर जलाते हैं सोचते हैं इससे बांग्लादेश का विकास हो जाएगा नहीं बेटा इससे तुम्हारी सिचुएशन पाकिस्तान सीरिया यमन इन सब जैसी हो जाएगी और इन सब देशों में लोग कैसे रहते हैं जंगलियों की तरह वैसे तुम भी रहोगे और जंगली वाली हरकतें यार ये स्टूडेंट है सड़क पे निकल के चढ़ी ले लेके घूमते कच्छा किसी का चुरा लेते हैं मंत्री का ठीक है और पेड़ उखाड़ देते हैं जहां मर्जी वो जलाने लगते हैं ये स्टूडेंट है यार ऐसे स्टूडेंट होते हैं ये तो बांग्लादेश के जेल से छूटे हुए लोग लगते हैं जिस तरीके की ये हरकत रोड पे नंगा होके प्रोटेस्ट करते हैं ये क्या तरीका ऐसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं अपनी हक की मांग करते हैं भूख हड़ताल वगैरह तो ये करते ही नहीं है सीधा मंत्री पे हमला घेर लो जिंदा जला दो ये सब हरकतें करते हैं प्रेसिडेंट की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था उन्होंने क्या किया उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया मतलब कि हर चीज जो मोदी जी की स्पोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया और अमेरिका ने अमेरिका ने और जो मोदी जी के खिलाफ वीडियो बनाते थे उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियो इस वजह तो शो में कल ठीक हाँ, हो गया हाँ। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी में कोई ऐसा जरूर है जो अमेरिका हुआ है।, तो तो है वो बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड करे तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगे ना अमेरिका को क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है ठीक है इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें ये करें वो करें तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो इंडिया देख लो और रूस को देख लो वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेजिडेंट को निकालो और सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है देश में कुछ भी होता है वहां पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया आ, जा रहा है और है। वो स्पेशली हिंदुओं हिंदू, को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं आपको पता है कि जहां बढ़े आपको पता है कि जहां पे भी हिंदुओं पे कुछ ही जुल्म होता है पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन उनपे बात करते हैं जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाक्य देखा था वो अपने हिंदुओं को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए जिसकी

शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं आ, है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा इंडिया के अंदर इंडिया क्योंकि उनके पास और कोई पनागा ही नहीं है उन्हें पता है की इंडिया नाउ सेफ है उनकी आर्मी काफी अच्छी है उनकी इकोनॉमी तो है तो यह जा के वहां स्टे करेंगे। इसका एक ऐसा कंट्री चारों साइड से घेरा हुआ है जिसके मफादा थ, जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं अब देखें अडानी ने बिजली बंद किया है बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है आप इंडिया से ले रहे हो टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी दुनिया की इतनी बड़ी के साथ आप पंगा पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये करवा रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर अब मोदी ने तो से हाथ मिला लिया हाँ, उन्होंने अब ये, अब ये कहते हैं इंडिया का रिस्पॉन्स में मारकाट हो रही है इंडिया का रिस्पॉन्स इंडिया से पूछा फॉरेन हमारे जो मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछा कि साहब बांग्लादेश के अंदर इतनी मारकाट हो रही है इतना दंगा फसाद हो रहा है और शेख हसीना के ऊपर लोग यू you नो know, अलग अलग बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजाइन करो भाग जाओ वगैरह आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं तो भारत ने बोला कि भैया देखिए यह बांग्लादेश देख का इंटरनल मैटर है यह आज की बात नहीं कर रहा यह आज की बात नहीं कर रहा यह बंदा बात कर रहा है तकरीबन पंद्रह बीस दिन पहले एक महीना पहले ये तब की बात कर रहा है और उसका रेफरेंस अब दे रहा है राइट जो जो घटनाएं हुई हैं पहले की घटनाएं रेफरेंस अब दे रहा है लेकिन बात यह है कि साहब देखिए भारत जो है ना ये भारत ने गलत कह दिया कि इंटरनल 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 मैटर 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 अरे मैटर क्या होता है? होता, है? होता है है ये कोई भाइयों के बीच में कोई इंटरनल मैटर होता है हैं अगर एक भाई का घर जल रहा हो तो क्या दूसरा भाई अपना हाथ दूर रखे और बोले कि नहीं इसका घर जल रहा है इसका इंटरनल मैटर है भारत ने बहुत गलत करा भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था आखिर भारत हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई होने के नाते भारत का फर्ज बनता है कि बांग्लादेश के मामले में बोलता बेसिकली मैं आपको बताता हूं बात फिर मैं आपको आगे एक एक करके ये धागे निकालूंगा मैं मोहम्मद यूनस के पहले आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है बांग्लादेश में मैं आपको अभी बता दूं इनका की बात है कि देखो मोहम्मद यूनिस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटीमेंट था भारत को वो सेंटीमेंट सपोर्ट करना चाहिए था और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है अच्छा हम बोले शेख हसीना गलत है राइट चलो शेख हसीना चली गई शेख हसीना चली गई अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है ठीक है चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है अब भारत बोलेगा गलत है इनको फिर मौत आएगी बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है यह एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों यह कभी खुश नहीं होंगे ये सिर्फ यह चाहते हैं कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले तब भारत अच्छा है तब भारत जितनी भी दखल अंदाजी करे यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा उसने ये करा उसने वो करा तब भारत की दखलंदाजी है है ना कमाया ना अपने दिमाग से कमाया तो भाई आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो कितनी भी डिग्री हो आपने नोबेल प्राइज जीता हो पर अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है तो फिर बेड़ा गर्क है जो आम वहां पर बांग्लादेशी है वो क्या खाएगा आपका नोबेल प्राइज की फोटो लगा के उसको खाएगा उससे पेट भरेगा उसका कहने की बात यह है कि कल भारत क्रिटिसाइज करे बांग्लादेश को यही बांग्लादेशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था जिसने शेख हसीना के खिलाफ नहीं बोला वही बांग्लादेशी फिर पीछे मुड़के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी कर रहे हो